दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20x44 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। ये प्लान जो मैंने क्रिएट किया है, इसमें बाहर से स्टेयर्स दिए हैं और आपको एक बेहतरीन सा बारंदा और बेडरूम वगैरह सारा डिज़ाइन मैंने किया है। यहाँ पर मैंने ईंटों को ही दिया, ज़्यादा कुछ पेंट या आपका कलर वगैरह नहीं किया है। और जो बेसिक्स है कि स्ट्रक्चर होता है विथ पिलर, वो सारा क्रिएट करके आपके सामने रखा है। तो इससे 20x44 हाउस प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, जो आप देख कर बनवा सकते हैं, नया डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 20x44 पे, तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए, यहाँ से स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे और ये पिलर हैं यहाँ पर तीनों। और इसके बाद जैसे आप यहाँ आगे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेयर्स मिल जाती है। यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे टर्न होकर फिर से वापस आ जाते हैं, तो ये आपकी स्टेयर्स होगी बिल्कुल जस्ट बाहर से। इसके बाद ये आपको एक बड़ा सा गेस्ट रूम मिल जाता है, ये देखिएगा, बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है। और इस बेडरूम में जाने के लिए ये आपका बेडरूम है और यहाँ के साइड में आपको एक विंडो भी दिया है। और यहीं इसी मेन डोर से आपकी पूरी एंट्री इस बेडरूम में, अगर आपको घर के अंदर जाना है तो इस बेडरूम से होकर जाना पड़ेगा। आप इस बेडरूम के अंदर आते हो तो ये एक डोर है जहाँ से अंदर जाएंगे। तो इस बेडरूम में सबसे पहले एंट्री होगी, इसके बाद ये आंगन आ जाता है आपका, देख सकते हैं, लिविंग हॉल भी बोल सकते हैं। इस आंगन से दोनों तरफ ये दो बेडरूम पीछे हैं जो कि 10x12x12 के अप्रॉक्स हैं। इस पर एंट्री है गेट के माध्यम से, इस पर एक मैंने विंडो भी दिया है इस वाले बेडरूम में। और साइड की अगर बात करें तो ये आपका किचन एरिया है, फ्रंट में ये आपका किचन एरिया है, इसमें बाहर ये विंडो दिख रहा था। और ये एक बारंदा भी आपको मैंने बनाया था और इस बीच में ये लेटर्न बाथ है। तो मतलब कि तीन बेडरूम, एक लिविंग हॉल, एक बड़ा सा किचन, लेटर्न बाथ और बारंदा सादी। स्टेयर्स की बात करें वो बाहर से मैंने यहाँ पर दी है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये पूरा ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है 20x44 में विद बारंदा। तो ये तो इसमें बेसिक पिलर वगैरह की बात करें तो वो भी मैंने सारा डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप ईंटें वगैरह देख रहे होंगे, सब कुछ नॉर्मल सी चीज़ें क्रिएट की हैं। अब हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की अगर, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं किया, सिमिलर प्लान जैसा कि नीचे था, पीछे दोनों बेडरूम, लिविंग हॉल, लेटन बाथ, एक किचन वाले एरिया को हटाकर एक लंबा सा बेडरूम मैंने क्रिएट कर दिया। जो बारंदा वाला एरिया था आगे, उससे भी कवर्ड कर दिया, तो एक बड़ा सा बेडरूम आपका लंबा सा क्रिएट हो जाता। हालाँकि चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन लंबाई बहुत अधिक होने के कारण बेहतरीन से एक रूम आपका बनकर रेडी हो जाता है। और फ्रंट में ये छोटी सी रेलिंग बना दी है। अगर अब हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, फ्रंट में जो गेस्ट रूम था उसको बना दिया, बाद बाकी सारी चीज़ें हटा दी हैं और फ्रंट में रेलिंग और ये आपकी छत बनकर रेडी हो जाती है। तो 20x44 फुट में एक नॉर्मल सा प्लान, बेहतरीन सा प्लान, जिसमें कि 3 स्टोरी आपका बनकर रेडी हो जाता है। और अगर इसकी बात करें लागत की, इसमें पैसा कितना खर्च होगा ये जानना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक एप्लीकेशन है, वो सारा एस्टीमेट कॉस्ट बता देता है, मटेरियल कितना लगेगा वो भी बता देता है। तो इस मॉडल को सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप में अपना कमेंट करके बताया करें, सुझाव दिया करें, जिससे आपको हम लगातार अपडेट देता रहा करें। और किसी भी टाइप का अगर आपको घर बनवाना है, नक्शा बनवाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो हमारी एक पेड सर्विस है, इसके लिए आपको पे करना होता है। तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें और घर का नक्शा बनवा सकते हैं।